master copy of Cambridge readings. Guys, I, Nazuk, or you can say that Shero Nazuk or Nazuk Puri, मैं लेके आई हूँ आपके लिए कैम्ब्रिज की मास्टर कॉपीज, जिसमें आंसर्स की लोकेशन क्लियर की है हमने. एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, या यू नो यू आर ओवरसीज एंड यू वांट आंसर्स, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. कैम्ब्रिज की रीडिंग है, लॉजिकली आपको आंसर्स बताए हैं, जो ट्रैप्स हैं वो क्लियर किए गए हैं. So the first answer is false, second answer is true, third answer is true, fourth answer is not given and fifth answer is false. अब हम देखेंगे कि actually जो first वाला था वो false क्यों हुआ, second वाला true क्यों हुआ, और आपके जो गलत answers हैं आप इसको check कर सकते हैं इस master copy के साथ. तो चलिए जानते हैं first question जो यहाँ पे mention है. University employees do not need to pay for their parking permits. हमारी जो लोकेशन है, अब ये बात कहां पे की गई है, ये बात की गई है यहां पे. Member of staff who have paid the requisite fee and display the appropriate permit may bring a vehicle into the grounds. अब यहां पे क्या कह रहा है, members of staff who have paid the requisite fee. और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज डू नॉट नीड टू पे. यहाँ पे तो कह रहा है कि मेंबर ऑफ स्टाफ हु हैव पेड द रिक्विजिट फी. सो क्वेश्चन में क्लियरली है कि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज को पे करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि नेसेसरी है, उनको जरूरी है, और जरूरी शब्द का उन्होंने यहां से बताया है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नेसेसरी. तो यहाँ पे ये उसके ऑपोजिट बात की है, तो ऑपोजिट बात करने के कारण ये आंसर आपका फॉल्स होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दिया हुआ है वो है, पार्किंग इन हॉल्स ऑफ रेजिडेंस इज हैंडल्ड बाय द वार्डन्स ऑफ द हॉल. अब ये बहुत इजी है, उसी के नीचे है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर. गाइज, हाउएवर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग में. तो हाउएवर के बाद लिखा अनलेस authorized by the warden of the hall concerned. तो यहाँ पे ये बात वही की गई है, that's why the answer is true. अब हम देखते हैं हमारा third. Having the university permit does not allow staff to park at halls. कहता है अगर university का आपके पास permit है तो staff को वो allow नहीं करता park करने के लिए halls में. अब यहाँ पे already दिया गया है, a university permit does not entitle them to park in hall. तो हॉल कार पार्क, तो वही बात की गई है, तो दैट्स वाई द आंसर ऑफ थर्ड इज ट्रू. बात करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की. फोर्थ में उन्होंने लिखा हुआ है, पार्किंग परमिट्स कॉस्ट 20 pounds अ ईयर. ऑल राइट, अब हम देखेंगे सबसे पहले 20 इज अ नंबर, तो जब नंबर आ जाए या ईयर आ जाए ना, तो हमें जल्दी देख लेना चाहिए, वो जल्दी मिल जाता है, स्कैन हो जाता है. तो हम स्कैन करेंगे तो लास्ट में हमें दिख रहा है यहाँ पे लिखा है. But what question is saying? Question is saying parking permits cost 20 pounds a year. कि parking की जो cost है वो 20 pounds है. But अगर हम अपने paragraph में देखें तो वहां पे लिखा हुआ fined. They will be fined. तो यहाँ पे fine है, parking की cost नहीं है, उसके ऊपर जुर्माना लग रहा है. तो जुर्माना लग रहा है तो इसलिए answer जो आपका आएगा वो क्या आएगा, Not given, क्योंकि परमिट की कॉस्ट की बात नहीं की गई है, फाइन की बात की गई है. ठीक है जी, लास्ट हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉल डू नॉट नीड परमिशन टू पार्क इन हॉल कार पार्क. कहता जो स्टूडेंट्स कहाँ पे रह रहे हैं, हॉल में रह रहे हैं, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि वहां की पार्किंग में कार को पार्क करें. तो ये आंसर का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है हमारा, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, ये आप देख रहे हैं. तो ये यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे, स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉल्स ऑफ रेजिडेंट मस्ट ऑब्टेन परमिशन. ये कह रहा है परमिशन लो, वो कह रहे कि जरूरत नहीं है. तो ऑपोजिट बात हो गई, हाँ या ना, कि परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. तो इसलिए आंसर आपका क्या हुआ, फिफ्थ का फॉल्स, ये गलत है. तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट टू फाइव क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट हम जाएंगे अपना 6 to 13 क्वेश्चन में.
ऑल राइट, तो ये जो टॉपिक का नाम है वो है पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हैं, कहता क्वेश्चन 6 एंड 7, बोरोडाइन टैबलेट्स माइट बी यूज टू ट्रीट। अब ये बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों को लगता है कि यार अब हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। गाइस, जब भी कोई क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। कहता है लुक एट द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट ऑन द फॉलोइंग पेज, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ टू पॉसिबल एंडिंग्स ए एंड एम फ्रॉम ए टू एम, राइट द अप्रोप्रिएट लेटर्स ए टू एम इन बॉक्सेस 6 to 13। पढ़ेंगे बोरोडाइन टैबलेट्स माइट बी यूज टू ट्रीट, कैसे, कहता किसको ट्रीट किया जाता है। अब यहां से हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये किस किसके साथ एंडिंग हो रही है। कहता बोरोडाइन टैबलेट्स आर यूज टू हेल्प रिलीव हे फीवर एंड कंडीशन ड्यू टू एलर्जीज इन पर्टिकुलर स्किन रिएक्शन एंड अ रनिंग नोज। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ सकता है गाइज, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने क्या मैंशन किया हुआ है। कहता चिल्ड्रन अंडर 12 years ऑफ एज, headache and uncomfortable feeling in your stomach, symptoms similar to cold, a change in your skin color, anything treated by a prescription medicine, a kidney complaint, a whitening of the eyes, sore of broken skin, a fungal infection, a feeling of sadness, shortness of breath, a woman expecting a child। तो अब हमें आंसर कैसे ढूंढना है कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, स्किन रिएक्शन की बात कर रहा है। ओके, स्किन रिएक्शन की बात कहाँ पे हुई हुई है, सोर ऑफ ब्रोकन स्किन, आई में बात हुई हुई है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, रनिंग नोज, के नाक जो है वो बह रहा है, तो ये रनिंग सिमिलर टू कोल्ड। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डी एंड आई, वेरी इजी। अब आपको इजी लगा, यस। नेक्स्ट वो हमारा कह रहा है क्वेश्चन जो है, कहते यू मस्ट आस्क योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग ब्रोडाइन टैबलेट्स इफ यू आर ऑलरेडी बींग ट्रीटेड फॉर। कहता आपको आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो अब यहां पे हम कहां पे पढ़ेंगे, बिफोर यू टेक ब्रोडाइन टैबलेट्स। अब यहां पे वो क्या कह रहे हैं, In some circumstances, it's important not to take virgin tablets. If you ignore these instructions, this medicine could affect your health rhythm. Are you taking oral medicine for fungal infection? Have you suffered a reaction medicine containing borogine tablets? Do you suffer from any liver, kidney or heart disease? All right, guys. तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, उन्होंने क्या बात की गई है। उन्होंने यहां पे हम अपनी लोकेशन पे देखें तो उन्होंने बोला हुआ है फंगल इन्फेक्शन और लीवर किडनी और हार्ट डिजीज। तो हम यहां से देखेंगे फंगल इन्फेक्शन कहीं पे लिखा हुआ है गाइस, यस द जे पार्ट, फंगल इन्फेक्शन। और इसके अलावा उन्होंने क्या बात की है, किडनी कंप्लेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जी एंड जे, क्लियर, वेरी इजी। देन यू डू नॉट नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर इमिडिएटली इफ बोरोजाइन टैबलेट्स गिव यू। ऑल राइट, तो अब हम ये कहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जहां पे लिखा टैबलेट सेल योर डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि हमारी क्वेश्चन में ये था कि द अदर साइड इफेक्ट्स आर डिजीनेस और हेडेक्स एंड इनडाइजेशन और स्टमक एक, हाउएवर इज अगेन इंपॉर्टेंट, दीज इफेक्ट्स आर ऑफन माइल्ड एंड यूजली वियर ऑफ आफ्टर अ फ्यू डेज ट्रीटमेंट, इफ दे लास्ट फॉर वन देन अ फ्यू डेज टेल योर डॉक्टर। तो अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ये बहुत अच्छी सी बात कर रहा है, दैट इज headache, uncomfortable feeling in your stomach, very easy, the keywords बहुत easy है। तो हमारा answer क्या आ गया, B and C, got it? All right, हमारा next है, you must consult your doctor as once if you find borogine tablets cause। कहता आपको अपने doctor को पूछना चाहिए अगर कुछ problem आ रही है borogine tablets की। तो हम कहां पे देखेंगे, हम यहां पे देखेंगे, इफ यू फेंट स्टॉप टेकिंग बोरोडाइन टैबलेट्स एंड टेल योर डॉक्टर्स इमीडिएटली। इन एडिशन बोरोडाइन टैबलेट्स मे कॉज प्रॉब्लम्स विद योर विजन, हेयर लॉस, डिप्रेशन और कंफ्यूजन, येलोइंग ऑफ योर स्किन और योर आईज। तो वेरी इजी, अब हमारे पास क्या आंसर है, अ चेंज इन योर स्किन कलर एंड वेरी इजी अ फीलिंग ऑफ सैडनेस।
अ फीलिंग ऑफ सैडनेस. तो अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, ई एंड के. सो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन भी हो जाता. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसविक पॉलिटेक्निक वॉज क्लोज एट द सेम टाइम वेस्ट सेम कॉलेज वॉज ओपन्ड. तो इसका आंसर है नॉट गिवेन. नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एट द कॉलेज कम फ्रॉम आउटसाइड द लोकल एरिया, दिस इज ट्रू. देन हमारा 16 भी ट्रू है, 17 हमारा फॉल्स है, 18 हमारा नॉट गिवेन है, 19 हमारा ट्रू है एंड 20th हमारा ट्रू है. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि 14 टू 20 आपको कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो आंसर्स कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है. तो 14 इज नॉट गिवन, दैट मीन्स इट इज नॉट मैंशन. देन हम बात करेंगे 15 की, कहता मोस्ट ऑफ द कूलेस्ट स्टूडेंट्स एट द कॉलेज कम फ्रॉम आउटसाइड द लोकल एरिया, कहता लोकल एरिया के बाहर से आते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो लोकल, अगर हम शब्द देखें तो लोकल यहाँ पे लिखा हुआ है. तो लेट्स सी, लोकेशन हमें मिल चुकी है. कहता सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ वेस्ट लंडन वेस्ट सेम कॉलेज इज आइडियली प्लेस टू सर्व द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नीड्स ऑफ लोकल इंडस्ट्री लोग, बट इट्स इन्फ्लुएंस रीचेज मच फर्दर दैन द इमीडिएट लोकेलिटी. अंडर इट्स फॉर्मर नेम हाउंसलो बॉक कॉलेज इट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अ रीजनल नेशनल इंटरनेशनल रेपुटेशन फॉर एक्सलेंस. In fact, about 8% of its students come from continental Europe and further field with the further 52% are from outside. So, 100 में से अगर 50 देखें तो 50 inside होते हैं, ठीक है, 50-50 का ग्रुप करें तो 50 से प्लस 52 है, तो मतलब ज्यादा हुआ. तो yes, the answer is true. 16. The college has college changed its name टू वेस्ट सेम कॉलेज इन 1993. अब 1993 अगेन इट्स अ नंबर, तो मैं सबसे पहले देखूंगा 1993 का. ओह, हियर इट इज. सिंस 1st अप्रैल 1993 व्हेन इट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी एंड अडॉप्टेड इट्स न्यू टाइटल, वेस्ट सेम कॉलेज हैज कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन द फर्स्ट क्लास रेपुटेशन. तो अडॉप्टेड क्या किया उसने, अपना न्यू टाइटल, न्यू टाइटल मतलब न्यू नाम दिया. तो अगेन द आंसर इज ट्रू. क्लियर, आप न्यू टाइटल से कंफ्यूज हो गए होंगे. तो कहता देयर आर करंटली 6000 स्टूडेंट्स ओवर द एज ऑफ 19 अटेंडिंग द कॉलेज. कहता करंटली 6000 स्टूडेंट्स है 19 से ज्यादा उम्र के जो कॉलेज अटेंड कर रहे हैं. अगेन यहाँ पे क्या है, 6000 लिखा है, 19 लिखा है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे लिखा है 6000, आपको कहाँ पे दिख रहा है, अरे मुझे दिख गया. तो मोर देन हाफ ऑफ द वेस्ट सेम कॉलेज 6000 स्टूडेंट्स आर ओवर 19 ईयर्स ओल्ड. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाफ ऑफ 6000, नॉट 6000, कह रहे मोर देन हाफ ऑफ. क्लियर, तो ये एक्यूरेट उसकी बात नहीं कर रहा है. तो अगेन द आंसर इज फॉल्स. उसकी बात नहीं, डायरेक्ट बात नहीं ना कर रहा, ऑपोजिट बात कर रहा है. वो कहता करंटली 6000, कहता मोर देन हाफ ऑफ, उससे भी आधे, ठीक है. तो आंसर फॉल्स है. अगेन 18 नॉट गिवन है. 19 हम बात करते हैं. कहता द कॉलेज ऑफर्स मोर a more mature environment in which to learn than a school. तो आंसर आपका ट्रू है. चलिए देखते हैं ट्रू आपका आंसर कैसे है, हमारा 19th वाला. सो 19th की लोकेशन है हमारी, दे कैन चूज फ्रॉम अ फार वाइडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड इट वुड बी प्रैक्टिकल फॉर अ सिक्स्थ फॉर्म टू ऑफर. If they want to go straight into employment, they can still study at the college to gain qualification relevant to the jobs, either on a day release, bias or through network of the modern AS. तो अब यहाँ पे कह रहा है, the college offers a more mature environment in which to learn than a school. Yes, they are giving the facilities. So the answer is true. 20th वाला हमारा है, there are fewer subjects to study in the sixth form of a school than at the college. Again, we have already, if they want to straight into the employment, they can still study at the college to gain qualification either on a day release of, all right, they can choose from a wider range of subject than it will be practical for the sixth form to offer. Again, usse wahi baat ki hai, sixth form to offer. So, yes, this is true. So, answer hamara kya hua? Answer hamara true hai. So, isi ke saath hamare 14 to 20 answers ho gaye hain. Ab hum next dekhenge. Next hamare again. बहुत अच्छे हैं. एक तरह की हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, वेस्ट सेम कॉलेज सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमने टाइटल्स देने हैं. तो दिस इज वेरी इजी. ऑल राइट गाइज, तो गाइज हम सबसे पहले जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है उसको रीड आउट करेंगे. आंसर है आपका 6, सेकेंड है आपका 8, 23rd है आपका 10, 24th है आपका 2, पैराग्राफ जी का आंसर है 5, पैराग्राफ एच का आंसर है 7. ऑल राइट,
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि पैराग्राफ ए का आंसर सिक्स क्या हुआ. सिक्स हमारा क्या है, अ ट्यूटोरियल सिस्टम फॉर रेगुलर वन टू वन गाइडेंस सपोर्ट एंड फीडबैक. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एज अ फुल टाइम स्टूडेंट एट वेस्ट सेम्स कॉलेज यू विल हैव योर ओन पर्सनल मेंटर हु विल सी यू ईच वीक टू गाइड यू थ्रू योर स्टडीज एंड डिस्कस एनी प्रॉब्लम विच मे अराइज. सो इट्स ओके कि हाँ आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो यू विल गेट अ वन टू वन गाइडेंस सपोर्ट एंड फीडबैक. दिस इज परफेक्ट. देन हमारा 22 का अब हमारा 8 वाला क्या कह रहा है, एंड एडमिशन सर्विस प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन चूजिंग एंड अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन कोर्सेज. तो पैराग्राफ सी में हम देखते हैं क्या यही बात कर रहा है. कहता है दिस सर्विस इज अवेलेबल टू एनीवन हु इज अनडिसाइडेड एज टू व्हिच कोर्स टू फॉलो, कि उसको पता नहीं है कि कौन सा कोर्स फॉलो करना चाहिए. इट इज वेरी मच अ सर्विस फॉर द इंडिविजुअल वट एवर योर एज, हेल्पिंग यू टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू सूट योर circumstances. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एडमिशन सर्विस प्रोवाइडिंग असिस्टेंस चूजिंग एंड अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन स्टडी कोर्सेज. तो आपको एक प्रॉपर आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि आपको पता चले आपको करना क्या है. क्लियर राइट ओके. सो हमारा नेक्स्ट है आंसर पैराग्राफ ई का 10 है. तो 10 क्या कह रहे हैं, क्लब्स एंड सोसाइटीज फॉर स्टूडेंट्स फ्री टाइम. कहते हैं क्लब्स और सोसाइटीज है स्टूडेंट्स के फ्री टाइम के लिए. तो इज वेरी इजी व्हेन स्टूडेंट्स आर वेरी फ्रॉम स्टडीज एंड वांट टू चांस टू रिलैक्स एंजॉय देमसेल्फ विद फ्रेंड्स दे कैन पार्टिसिपेट इन नंबर ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज मतलब फन एंड ऑल. तो यहाँ पे आपका आंसर पैराग्राफ ई का 10 फ्री टाइम रिक्रिएशनल सही है. देन हम करेंगे पैराग्राफ एफ. पैराग्राफ एफ का आंसर वो कह रहे हैं टू काउंसलिंग एंड वेलफेयर विलिंग टू लिसन ऑफर एडवाइस और अरेंज अ रेफरल. अब पैराग्राफ 24 का आंसर 2 है. तो पैराग्राफ एफ पे हम जाएंगे. कहता है दिस कॉन्फिडेंशियल सर्विस इज अवेलेबल इफ यू हैव प्रैक्टिकल पर्सनल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी वेदर इट्स ऑफ अ फाइनेंशियल और पर्सनल नेचर. तो ये 2 हमारे लिए क्या कह रहा है, काउंसलिंग एंड वेलफेयर विलिंग टू लिसन ऑफर एडवाइस एंड अरेंज योर रेफरल. इजी ऑल राइट. अब हम देखते हैं हमारा पैराग्राफ जी का आंसर वो क्या कह रहा है. पैराग्राफ जी का आंसर वो 5 कह रहा है, मेडिकल सर्विस ऑफ ऑफरिंग ऑन साइट असिस्टेंट विद हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. कहता है तो कॉलेज नर्सेज आर देयर फॉर जनरल मेडिकल एडवाइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस और इंजरी. अगेन इट्स वेरी इजी. देन इज योर एच, एच इज योर 7. 7 क्या कह रहा है, करियर एडवाइस हेल्पिंग स्टूडेंट इन टू एम्प्लॉयमेंट. अब नौकरियों की बात करें तो हमारा शब्द है नौकरी. वेस्ट लंडन एम्प्लॉयर्स हैव अ परमानेंट बेस इन द सेंटर ऑफ कॉलेज विद एक्सेस टू डेटाबेस ऑफ मोर देन 24,000 जॉब्स अवेलेबल लोकली इन सेंट्रल लंडन. सो इट सेइंग्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट. तो वेरी इजी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत इजी होती है और इसी के साथ हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स डन होती हैं. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेक्शन 3 27-40 है हमारे पास. यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है. तो यहाँ पे है ऑल राइट कि कब हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी. तो दिस इज वेरी इजी क्योंकि नंबर्स हमें अगर मिल जाते हैं मेन यहाँ पे जो डिस्कवरीज हैं वो सब कैपिटल लेटर्स में होती हैं तो हम जल्दी इसको रिलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है हर्शल बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग एस्ट्रोनॉमी. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हर्शल बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग एस्ट्रोनॉमी. तो यहाँ पे हमने फटाफट अपना ये शब्द देखना और ये शब्द देखना है. तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे और अब हम स्कैन करेंगे ये शब्द कहां लिखा है. ये रहा, मिला आपको. हर्शल वॉज एन एक्टिव माइंड एंड डीप इन साइड ही वॉज कॉन्शियस दैट म्यूजिक वॉज नॉट हिज डेस्टिनी. ही देयरफॉर रेड वाइडली इन साइंस एंड बट नॉट अंटिल 1772 डिड ही कम अक्रॉस अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी. तो यहां पे क्या आएगा, 1772. इजी. नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी ऑफ द प्लैनेट यूरेनस. डिस्कवरी इज द वर्ड, प्लैनेट यूरेनस इज द वर्ड. देखिए ही डिस्कवर्ड यूरेनस. यूरेनस कब डिस्कवर्ड हुआ, 1782-81. तो आंसर क्या हुआ, 1781 डिस्कवरी ऑफ प्लैनेट यूरेनस. अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम 1780 क्यों नहीं लिख सकते. गाइज यहाँ पे एक चीज लिखिए, लेटर पार्ट ऑफ दिस. लेटर पार्ट मतलब के लास्ट वाले में, ठीक है. फॉर्मल होता है पहला, लेटर होता है बाद में. तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है कि लेटर पार्ट में, तो दैट्स व्हाई लेटर पार्ट के कारण 81 आएगा. गॉट इट. तो दैट्स अ ट्रैप जो इन्होंने आपके लिए डाला है सो दैट हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाए.
ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट हमारा है डिस्कवरी ऑफ द मून्स टिटेनिया एंड ऑब्रन. अब यहां पे मून्स टिटेनिया एंड ऑब्रन की बात की गई है. आई गॉट इट. द टू लार्जेस्ट मून टिटेनिया एंड ऑब्रन वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्शल इन 1787. दैट्स सो इजी. तो आंसर आ गया 1787. फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ यूरेनस रिंग्स. कहते हैं यूरेनस रिंग्स की डिस्कवरी फर्स्ट कब हुई थी. अब यूरेनस रिंग्स मैंने पढ़ना है. रिंग्स 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 आर इज अ वर्ड, यूरेनस इज अ वर्ड, यूरेनस रिंग्स. ऑल राइट गाइस, तो यहां पे मुझे कुछ रिंग्स से मिला है एंड वो कह रहा है, बट यहां पे कॉमा है तो यानी कि इससे पहले इसकी बात की गई होगी. हियर वी गॉट इन 1977 वाइल रिकॉर्डिंग द ऑक्यूलेशन of a star behind the planet, the American astronomer James J. Elliot discovered the presence of five rings encircling the equator, Uranus. So, kab? 1977 mein. Wow. 1977. Too easy. Discovery of the last 10 moons of Uranus. 10 moons. So, 10 is the number. I need to find number 10. Oh! The last 10 discovered a Voyager 2 of the same flight of brothers. Here we got. And ye kab hua tha? 1986 mein. So the answer is 1986. Quite easy, right? Main bhi aapke saath hi solve kar rahi hu. Kuch answers mujhe pata hai. Because maine itni bari reading ye karwa di hai. To kuch answers yaad hai. And kuch hum aapke saath dhoond rahe hai. Alright, so next is our favorite. येस नो नॉट गिवन. अब जैसे ये येस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये हमें बाय हार्ट याद होते हैं क्योंकि इतनी बारी बच्चों को करवा दिया जाता है कि याद रहते हैं. सो 32 का आंसर है येस, 33 का आंसर है नो, 34 का आंसर है नॉट गिवन, 35 का आंसर है येस, 36 का आंसर है नॉट गिवन. सो अब देखते हैं कि 32 का आंसर क्यों है. कहता इट इज इम्प्रोबेबल दैट देयर इज अ प्लैनेट हिडन बिहाइंड द सन. इम्प्रोबेबल का मतलब अनएक्सपेक्टेड. कहते ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्लैनेट कोई हिडन हो सकता है सन के पीछे. तो अब हम यहां पे अपनी लोकेशन देखेंगे. ऑल राइट, सो यहां पे इनिशियली है थ्रू आउट द अर्थ एनुअल रेवोल्यूशन राउंड द सन देयर इज वन पॉइंट ऑफ स्पेस ऑलवेज हिडन फ्रॉम आवर आईज. दिस पॉइंट इज द opposite part of the earth's orbit which is always hidden by the sun. Could there be another planet there essentially similar to our own but always invisible. To haan ji, baat yahi ki gayi hai. So that's why the answer is yes. Next, Herschel knew immediately that he had found a new planet. Usko immediately pata chal gaya tha ki koi new planet hai. Seriously, observation began in 1974. He set himself the astonishing task of reviewing the heaven. In other words, pointing his telescopes to every accessible part of the sky, recording what he saw. तो यहाँ पे guys, serious observation जो begin हुई थी वो 1774 में हुई थी. मतलब पहले वो जो थी वो serious observation नहीं चल रही थी, वो वैसे ही ढूंढ रहे थे. तो immediately नहीं था, immediately नहीं था. ठीक है, तो answer is no. 34 is not given. 35 की बात करते हैं. Herschel's newly discovered object was considered to be too far from the sun to be comet. तो 35 की लोकेशन हमारी यहाँ पे है. अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो आई कैन गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट. सो यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन बात की थी, अगेन पढ़ लें, मुझे भूल गया. कहता हर्शल ने जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑब्जेक्ट की थी वो कंसिडर किया जाता है काफी दूर थी सन से एंड कॉमेट टू बी अ कॉमेट थी. तो यहां पे कॉमेट हमारे पास शब्द है. कॉमेट All right, but further observation by other astronomers besides Herschel revealed two curious facts for a comet. It showed remarkably sharp disk. Furthermore, it was moving so slowly that it was thought to be a great distance from sun and comes over only
नॉर्मली विजिबल इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द सन, कहता है इमीडिएट विसिनिटी में, और ये क्या कह रहा है, यस टू बी टू फार फ्रॉम सन एंड टू बी अ कॉमेट, तो आंसर इज येस. 36 इज नॉट गिवेन, हम बता नहीं सकते क्योंकि दिया ही नहीं है, तुम कहां से बताए. 37 to 40, अब तो पढ़ते हैं हम सेवेंथ का. फिलिप्स है, वेरी इजी. द सजेस्टेड नेम ऑफ द न्यू प्लैनेट स्टार्टेड विद, कहता जो सजेस्टेड नेम थे न्यू प्लैनेट्स के, वो जो सजेस्ट किए गए थे वो कौन से थे, तो अब हम यहां पे देखेंगे सजेस्टेड नेम्स में क्या है. जॉर्जियम, तो ये हमारे 37th का आंसर है, जॉर्जियम. नेक्स्ट वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता देन बिफोर फाइनली सेटलिंग ऑन यूरेनस, देन यहाँ पे कॉमा है तो ये किसी का नाम हो सकता है, नाउन हो सकता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नाउन ये किसका हो सकता है, किसकी बात कर रहा है. कहता कौन है यहाँ पे, हर्षल, हर्षल की बात कर रहा है ना, तो ये हर्षल की है. द प्लैनेट वॉज लेटर फॉर अ टाइम कॉल्ड हर्षल इन ऑनर ऑफ इट्स डिस्कवरी द नेम यूरेनस विच वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द जर्मन, तो आंसर हमारा क्या हुआ, हर्षल, राइट. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. द फाइव रिंग्स अराउंड यूरेनस वर डिस्कवर्ड बाय, हमने नाम पढ़ा था उसका, जेम्स वॉज देयर, हमने अंडरलाइन भी किया था, यस जेम्स एल इलियट, इसी ने रिंग्स वो डिस्कवर की थी, हमने पीछे पढ़ा था. नेक्स्ट, फ्रॉम 1948 एंड 1986 द मून वॉज बिलीव टू बी द मून क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ यूरेनस, तो हमारे यहाँ पे हमने देखना है यहाँ पे क्या बात की गई है 1948 टू 1986, कहाँ पे लिखा है हमारी रीडिंग में, सो दैट हमें इजिली आंसर मिल जाए. अरे यहाँ पे ये बात हुई हुई है, एंड मरिंडा थॉट बिफोर 1980s टू बी द इनमोस्ट मून वॉज डिस्कवर्ड इन 1948 बाय द अमेरिकन, तो मरिंडा, मरिंडा इट्स नॉट द कोल्ड रिंग, इट्स मरिंडा द मून, मरिंडा वॉज बिलीव टू बी द मून क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ यूरेनस, एंड इसी के साथ हमारी रीडिंग जो है वो डन होती है, और हमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया है. अगर इन केस किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज दे कैन डिस्कस विद अस. आई होप आपको ये रीडिंग काफ़ी इजी लगी होगी एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी. एंड अगर आप कैम्ब्रिज की रीडिंग्स और कर रहे हैं तो गाइस स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल में प्रॉपर आपके लिए लेसन प्लान्स बने हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठे. यू जस्ट नीड टू टेक द मटेरियल, वो आप ऑनलाइन ले सकते हो, और मास्टर कॉपीज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी. टिल देन टेक केयर, सायोनारा.